नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम दोस्त लोग शाम को राइड के लिए रेडी हो रहे थे, जा रहे थे राइड करने के लिए। आज ही के दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ है। दोपहर को शाम को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। एक भी पार्ट स्किप मत करना। मैंने एक एक वीडियो का पार्ट वो ही रखा है जो ज़रूरी है। फालतू के वीडियो मैंने वैसे ही काट दी है। आप ज़रूर देखना कि हमारी गलती थी या किसी और की गलती थी जो सामने से आ रहा था। एक एक बात क्लियर कर दूंगा आपको। हम पूरे राइडिंग गियर्स के साथ जा रहे थे, हेलमेट ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहना हुआ था। मैं R15 V3 राइड कर रहा था। मेरा दोस्त सुपर मीटियोर के साथ जा रहा था। पीछे SD रोडस्टर वाला मेरा भाई था जो कि पीछे आ रहा था। वो जो बाई चांस ट्रक की वजह से पीछे रह गया था। देखिए, जब कुछ होना होता है ना तो वो होनी आपको घर से उठा के ले जाती है। मैं घर में बैठा था आराम से निक्कर बनियान पहन के। मैं कहीं जाने का मूड नहीं था। दोस्त आए अचानक से भी, चल चल जाना है जाना है। मैंने बहाना भी बनाया कि 10-15 मिनट लग जाएंगे मेरे को तैयार होने में, आप जाओ। नहीं यार, कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं, दोस्त कह रहे थे। तो वो जो होना ही था, हमको घर से रेडी हुए निकले राइड पे भगाते हुए। तो हम जा ही रहे थे। देखिए, हम आगे की वीडियो आप खुद ही देख लीजिए क्या होता है, किसकी गलती थी। यहाँ पे मेरा GoPro टूट के उतर गया था सड़क पे। दोस्त की टांग सुपर मीटियोर के नीचे आ गई थी। वो चिल्ला रहा था मेरे को, निकालो यहाँ से। वो निकल नहीं पा रहा था। वो चक्की मेरा गर्म लग रहा है, मेरे गर्म लग रहा है। मैंने दोस्त को बाइक के नीचे से निकाला। वो अल्टो वाला बहुत रॉन्ग साइड से आ रहा था। सामने होंडा सिटी वाले ने ब्रेक लगा दी, पीछे दोस्त ने ब्रेक लगा दी। मेरा ध्यान ही नहीं था उस पर, मैं बीच में जाकर ठोक गया उसके, बहुत नुकसान हुआ। देखिए दोस्तों, मेरा पूरा R15 क्रैश हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसके शॉकर तक बैंड हो गए हैं। और ये सुपर मीडियोर 650 जो कि अभी एक महीने पहले लिया था, वो भी तबाह हो चुका है। उसके टैंक वगैरह पड़ गए हैं, बैक साइड में टैंक के हैंडल टूट गया है उसका। एक्सीडेंट 2-3 वजह से हुआ है। मैंने भी ब्रेक छोड़ रखी थी। अल्टो वाला भी रॉन्ग साइड से आ रहा था और सामने होंडा सिटी वाले ने ब्रेक डाल दी थी। आगे उसके कुछ भी नहीं था।